विजयदशमी के अवसर पर आज केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर के गोरखी स्थित देवघर में राजशाही पोशाक पहनकर पूजा अर्चना करने पहुंचे, जहां उन्होंने अपने कुलदेवी देवता दक्षिण केदार दुर्गा मैया राजशाही शास्त्र मुहर प्रतीक चिन्हों की पूजा अर्चना की। पूजा के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राजपरिवार के प्रतीक ध्वज और शस्त्रों का पूजन किया। इस दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ उनके बेटे महाआर्यमन सिंधिया भी राजशाही पोशाक में मौजूद रहे। इसके साथ ही उन्होंने ग्वालियर वासियों और प्रदेशवासियों को दशहरे की शुभकामनाएं दी। कुलदेवता मंदिर के पुजारी के मुताबिक सिंधिया राजघराने को नौवीं पीढ़ी का नेतृत्व ज्योतिरादित्य सिंधिया कर रहे हैं और दशहरे के दिन शस्त्र पूजा करने की परंपरा सिंधिया परिवार में आज से नहीं बल्कि प्राचीन काल से चली आ रही है। ग्वालियर से योगेश बिसारिया की रिपोर्ट। शुभ अवसर पर मेरे तरफ से हमारे सभी प्रदेश और देश के वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये सत्य की जीत का दिवस है, ये न्याय की जीत का दिवस है और हम सब आज इस दिवस पर प्रेरणा लें, हमारे क्षेत्र के लिए, हमारे प्रदेश के लिए, हमारे देश के विकास और प्रगति में एक एक नागरिक अपना योगदान दे पाए, ताकि आने वाले दिनों में हमारा देश विश्व पटल पर अग्रसर हो। इसी विचारधारा से हमें अपनी पूर्ण जिंदगी बितानी है।